भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों में जिन महिलाओं का नाम प्रमुखता से लिया जाता है उसमें वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी भी है। भारत भर में उनको साहस एवं शौर्य की प्रतिमूर्ति माना जाता है। इन्हीं की प्रतिमा का आज अशोकनगर शहर के पटेल पार्क में अनावरण किया। मुख्य कार्यक्रम में अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। यह प्रतिमा इस बार्ड के पार्षद महेंद्र भारद्वाज के विशेष प्रयासों से रही। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया एवं लोधी समाज के कई सारे अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक श्री जज्जी ने कहा कि जब जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम आएगा तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। वे साहस और शौर्य की प्रतिमा थी। उन्होंने अपने अभियान और देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों की दमनकारी नीति का साहसपूर्वक विरोध किया और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। भारत का इतिहास वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जैसी नारियों की शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। इन वीरांगनाओं की गाथाएं आज भी हमें शौर्य और बलिदान तथा देशभक्ति की प्रेरणा देती हैं। साथ ही इस तरह की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उनके इन सारे प्रयासों और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का बड़ा काम भी हो सकता है। इस अवसर पर और भी अधिकारी पदाधिकारियों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के देश के लिए किए गए कामों को याद किया। महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि इस इलाके में बहुत लंबे समय से वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मूर्ति की स्थापना की मांग लोगों के द्वारा की जाती रही थी और इसको लेकर उन्होंने शुरू से ही अपनी प्राथमिकता में रखा था। इस समारोह में अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा के जिला अध्यक्ष बली सिंह लोधी, भाजपा के जिला महामंत्री रविंद्र लोधी, समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। कि समाज के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप कल्पना नहीं कर रहे, आप जो लोग भाई यहाँ बैठे आप अंदाजा नहीं लगा रहे, ये लोग फिर रहे ईसागढ़ में लगाने सालों से, समाज के लोग दुनिया में घूमे आए, दिल्ली भोपाल मध्य प्रदेश में, पता करो मूर्ति नहीं लग पा रही, असंभव काम हुआ है। इन्हें पता भगत जी कह रहे हैं इंदिरा गांधी तो सरकार उनकी नेता उनके दिल्ली में बैठी सरकार है तब नहीं लगा पाए, चार साल जेलों में बंद हुए, आंदोलन हुए, धरने हुए, कैसे लग पाई थी पता है, आप सबने देखा भी होगा, लोगों ने ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको सबको बधाई देता हूँ और एक बार पुनः महेंद्र को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, उसने अपने संकल्प को पूरा किया।